भारतीय बीजेपी करेंगे पेयजल और बिजली की समस्या को लेकर। भारतीय जनता पार्टी 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक राज्य के सभी नगर निकायों, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कुल 50 स्थानों में लगातार आंदोलन कर रही है। इस कार्यक्रम में अलग अलग निकायों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा सहित प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक गण शामिल हो रहे हैं। आज जमशेदपुर नैक में विरोध प्रदर्शन का दौर चलेगा, जिसकी शुरुआत साक्षी से होगी। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद विद्युत वरण महतो समेत नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे और बिजली पानी से जूझ रही जनता के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ फोन लाइन पर जमशेदपुर से मौजूद है प्रभात। जिस तरह से मौसम का पारा बढ़ रहा है, उस तरह से बीजेपी का भी आंदोलन का जो रुख है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। लगातार बीजेपी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। उसे इस बात से एतराज नहीं है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप है, वो जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी। आज साक्षी से इसकी शुरुआत हो रही है जमशेदपुर में। प्रभात की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। हम कोशिश करेंगे प्रभात से फिर एक बार संपर्क साधने की। तो प्रभात हमारे सहयोगी फिर एक बार जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम ज्यादा अपडेट लेते हैं। प्रभात, जिस तरह से बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई जनहित के मुद्दों को लेकर आज साक्षी से इसकी शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ तैयारी है और क्या क्या रुख है बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का? शरीफ, देखिए पिछले अगर हम एक सप्ताह से बात करें तो लगातार बीजेपी जन समस्याओं को लेकर, जन सुविधाओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज से चार दिन पहले उन लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया था पानी बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर, और आज फिर से जमशेदपुर के जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वहां इन लोगों का प्रदर्शन है और उसकी तैयारी की जा रही है। और साक्षी के जो बसंत टॉकीज के सामने से ये रैली निकलेगी और इस रैली में जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश और जमशेदपुर के सांसद वो भी शामिल होंगे। निश्चित है जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बिजली और पानी की समस्या और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं उसको लेकर हल्ला बोल इनका कार्यक्रम है। और अभी इसकी शुरुआत 11 बजे के आसपास होना है जब प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और उनके नेतृत्व में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है उसमें प्रदर्शन करेंगे। निश्चित है हम कह सकते हैं जिस तरीके से जन सुविधाओं को लेकर, चाहे वो रोड, नाली, पानी, बिजली, अन्य समस्याओं को लेकर जो आम आदमी का काम नहीं हो पा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर बनी हुई और लगातार ये प्रदर्शन इन लोगों का चलता रहेगा। और ये आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया इन मूलभूत सुविधाओं को देखती है, उसी को लेकर आज इसका प्रदर्शन है और इसकी शुरुआत 11 बजे के आसपास है। हालांकि कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं, तैयारी हो रही है। जी सर, देखिए प्रभात, बीजेपी ने इस मुद्दे पर जनता की नब्ज को पकड़ने का काम किया क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है, एक तो गर्मी से, ऊपर से बिजली कटौती से और उससे जो उत्पन्न हो रही समस्या पेयजल की उससे, तो नस पे हाथ रखा है बीजेपी ने आम जनमानस की। आम जनमानस की क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी के इस आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, देखिए सारे निश्चित है कि जो आम जनमानस का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, जिस तरीके से जो समस्याएं
पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, चाहे वो नोटिफाइड एरिया कमेटी के जमीन के मामले बोले, पानी के मामले बोले, बिजली के मामले बोले, अन्य चीज जो सर्टिफिकेट बनाने के मामले हो, चाहे जन प्रमाण पत्र हो या मित्र प्रमाण पत्र, इन सारे मुद्दों को लेकर इन लोग कहीं ना कहीं जन समर्थन हासिल है और आम आदमी भी इससे जुड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आम आदमी अभी गर्मी में बिजली से परेशान है। हालांकि शहरी क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है शहरी, क्योंकि टाटा स्टील शहरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई करती है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र है, जो गैर कंपनी क्षेत्र है, वहाँ बिजली और पानी की समस्या उत्पन्न है और लगातार इन लोग हमलावर है। और जिस तरीके से आज एक बड़ा रैली निकालकर प्रदर्शन करने की जो बात कही जा रही थी, उसकी तैयारी अंतिम चरण पर है और कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और आम आदमी भी कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ रहा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बोले पिछले एक सप्ताह से लगातार हरेक प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी का जन समस्याओं को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन जारी है और आज भी उसी के तहत ये प्रदर्शन है। जी सर, चलिए प्रभात, आप नजर बना के रखिए इस विरोध प्रदर्शन पर, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।